हेलो स्टूडेंट, निमसेट 2019 में अब हमारे पास वन मंथ है। इन वन मंथ में हमारे पास फोर संडे आएंगे, 28, 5th, 12th एंड 19 एंड 26 को फाइनल एग्जाम है। इन फाइव संडेज का मैं एक प्रॉपर आपको प्लान बता रहा हूँ। दूसरा, जो टेस्टिंग प्लान है वो भी मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और किस ढंग से क्विक रिविजन क्लासेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल है। तो सारी चीज़ें बता देता हूँ पहले। अभी नंबर वन बात करें हम कि हमारे पास फोर्थ तो संडे हैं और फिफ्थ संडे को अब हमको एग्ज़ाम देना है, यानी ये फाइनल पेपर है। और फाइनल पेपर को आपको मैंने एक फाइनल मॉक लिखा है। इसका पर्पज़ है कुछ इस वर्ड का कि मैं चाहता हूँ कि आप अगले एक महीने इस ढंग से पढ़ें कि फाइनल पेपर आपको मॉक पेपर लगे। ये जब ही होगा कि अगर आपने लास्ट मंथ पेपर के एनालिसिस पे और ज़्यादा वर्कआउट किया तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। देखिए, मैंने आपके साथ सबसे पहले क्विक रिवीजन क्लास ली थी, फिर पेपर्स के सॉल्यूशन की क्लास ली, एक 2008 का पेपर डिस्कस किया, अभी ट्रिग्नोमेट्री का क्विक रिवीजन रखा था। अभी देखिए मेजर टॉपिक क्या क्या समझिए, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, 2D, वैक्टर एंड प्रोबेबिलिटी परमुटेशन, ये मैं आपको पूरे रिवीजन करवाऊंगा। तो जो भी रिवीजन क्लास होती हैं उनके लिए आप तैयार रहिए। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री क्लास के बाद जो आप लोगों ने मुझे मैसेज किए उससे मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई। सबसे पहले तो वो क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल थी जो आपने एक पॉजिटिव मैसेज दिया, पर अब मैं आपके साथ, जैसे मैंने वहाँ पर 2008 से क्वेश्चन डिस्कस किए थे और 2014 तक के किए, उस 15 तक के किए, 16, 17, 18 इसलिए छोड़ा कि सेम पैटर्न के थे, तो अब वो आपको करना था, राइट? यही बात मैंने 2008 में रखी थी। अच्छा, अब समझिए, अब मैं आपके साथ जो लूंगा इसमें 2008 से 15, 16 पेपर के साथ साथ मैं कुछ और भी नए क्वेश्चंस आपके साथ ऐड करूंगा। तो इस क्लास में मैं और एडिशन करने वाला हूं आपके साथ, जो आपके लिए एक सरप्राइज है। मतलब जिस दिन आपकी ये रिवीजन क्लास होगी, मैं वीक में दो रिवीजन क्लास आपके साथ शेयर करूंगा, तो जिस दिन रिवीजन क्लास होगी उसके साथ जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं उसकी भी शीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक एडवांटेज ये होगा कि आप उसे पहले से सॉल्व करके रखेंगे और वो शीट से आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। उसका लिंक मैं साथ में दे दूंगा वीडियो के, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी साथ में करते जाएंगे और फिर मेरा सॉल्यूशन भी देखते चलेंगे। तो ये एक रिवीजन मैं जरूर करवाऊंगा। और एक और चीज़ याद रखिए कि अब आपने में से कुछ लोगों ने पूछा था सर LR का क्या करें, पर आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे, जैसे जैसे मैथ्स पर कमांड आ रहा है वैसे वैसे लॉजिकल रीजनिंग अपने आप स्ट्रांग हो रही है। पर अभी कुछ चीज़ें और आपको मिलने वाली है। नंबर वन, जो आपको संडे टेस्ट मिल रहा है उसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग के साथ अब कंप्यूटर फंडामेंटल की शीट भी मिलेंगी। लगभग इसमें 40 से 50 क्वेश्चन होंगे शीट में। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लें जिससे कि कंप्यूटर में भी वर्कआउट कर पाएं आप अच्छे से। तो ये फोर संडे को, अब ये देखिए 28 तो आने ही वाला है, इन संडे को आपको 19, ये आपका लास्ट वीक होगा टेस्टिंग का। इसके बाद आपको जो अब तक के पेपर दिए गए जनवरी से लेके, बहुत सारे स्टूडेंट केवल टेस्ट सीरीज से भी जुड़े हैं, जनवरी से अब तक जितने टेस्ट पेपर दिए हैं, आखिरी के दिन मतलब आपके पास 20, 21, 22, 23, 24 तक इन 5 दिनों में जितने पेपर आपको जनवरी से अब तक मिले हैं और एक्चुअल पेपर्स, इनको एक बार फिर से सॉल्व करना है। 25th पूरी तरह से ऑफ रखना है। ये वन मंथ में आपको पूरा स्टडी शेड्यूल बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको फॉलो करना चाहिए और इससे ही रिजल्ट मिलेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो क्विक रिवीजन क्लासेस थी, या अभी जैसे बच्चे हमारे यहाँ जो 3 कोर्सेज चलते हैं NDA के, बहुत अच्छा बच्चों ने स्कोर किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी ऐसे ही अच्छा स्कोर करेंगे। बस शर्त है कि लास्ट मंथ में अपने आप को एक पॉजिटिव माइंड के साथ तैयार करें। अच्छा, आप में से कुछ बच्चों ने एक और मैसेज भेजा था कि सर हमारे फाइनल ईयर के एग्जाम्स आ गए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनके फाइनल ईयर के एग्जाम्स होंगे, नो डाउट, और उसी के बीच में ये NIMCET का पेपर बढ़ने वाला है। ऐसे में हम क्या करें? तो मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, जैसे फाइनल में 4 या 5 सब्जेक्ट होते हैं वैसे ही NIMCET को एज अ सब्जेक्ट मान के कंसिडर करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अब कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं इवन यहाँ क्लासरूम में भी, जिनका 26 मई को NIMCET का पेपर है, 27 को ही फिर से फाइनल ईयर का एग्जाम है, तो भी आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। तो अब ये जो 4 संडे हैं और प्लस ये 5 डेज, इनको आप बहुत प्रॉपर यूटिलाइज करिए। नए स्टूडेंट के लिए मैं डिफरेंट सेशन लूंगा, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि नए स्टूडेंट भी जुड़ते जा रहे हैं, वो मैं बाद में बात करूंगा। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि अभी करीब करीब आपको वीक में जो फ्राइडे सैटरडे को पेपर्स आएंगे आपके पास, उसमें 3 मॉक पेपर्स होंगे, 5 मैथ स्पीड प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, इसके अलावा कंप्यूटर फंडामेंटल के टेस्ट होंगे, इसके अलावा LR के टेस्ट होंगे। ये चीज़ आपकी बढ़ाई जा रही है क्योंकि अब समय आ गया।
इन टेस्टेस, और बाद में मैं इन क्लास के बाद, जैसे पहले अभी दो हफ्ते अभी और रिवीजन में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री करवा दिया है, अब मैं कैलकुलस करने वाला हूँ स्टार्ट। कैलकुलस के बाद मैं आपको वैक्टर करवाऊंगा, वैक्टर 2D PNC एंड प्रोबेबिलिटी, और इसके अलावा एक एलजेब्रा का टॉपिक रख लेंगे, राइट। तो ये रिविजन्स मैं आपके लूँगा, इसके बाद 2-3 सेशंस लाइव में ही LR की क्लासेस लूँगा, यानी आप अगले पूरे महीने मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो मैंने आपसे जब बोला भी था जब आप ऑनलाइन कोर्स से जुड़े थे कि आपको लास्ट टाइम में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उस समय मैं आपके साथ पूरी तरह से कनेक्ट रहूँगा, जिससे कि आप कहीं पर भी अपने आप को छोड़ें ना, और वही समय। तो ये टेस्ट पेपर्स आपके पास आते रहेंगे इन लाइव क्लासेस में, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पीछे से क्वेश्चन डिस्कस किए थे ऐसे इसमें भी करेंगे, पर इसमें मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी करूंगा, क्योंकि वो एक एक टेक्निक्स में बता रहा हूं आपको। जैसे 2008 का पेपर डिस्कस करने का पर्पज था कि पेपर अगर पूरा पेपर मिले तो कैसे सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने 2008 से स्टार्ट किए थे 14 तक, और आपको आपने देखा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन चेंज क्या होता है, तो डेटा चेंज होता है, यानी आपको ऑब्जर्व करना है कि नई चीज क्या आएगी और कैसे सॉल्व करना है, यानी क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक पे ध्यान देना है, एक क्वेश्चन के साथ चार क्वेश्चन कैसे करें। अब इन टॉपिक्स में मैं प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ कुछ न्यू क्वेश्चंस भी लूंगा, इसलिए इनके लिए एक सेपरेट शीट बनवा रहा हूँ, वो शीट मैं आपको शेयर भी करूंगा, और फिर वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसमें आपको निमसेट के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, जेई के भी मिल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसलिए हर एक क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड करिएगा और समझिएगा, और हर क्वेश्चन के साथ मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको एक बेसिक रिविजन करवा दूँ, और साथ में रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकता है ये भी हम करेंगे। यानी अगला एक महीना आपकी लाइफ का सबसे गोल्डन टाइम है, क्योंकि देखिए एक अच्छा कॉलेज आपकी इंटायर लाइफ को बदल सकता है। अगर आपने MCA एज अ कैरियर चुना है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आज हम देखें तो बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, बच्चे अच्छी अच्छी जगह पर जा रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो लास्ट मंथ की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपने साल भर जो कुछ पढ़ा है पूरा बेसिक से जो पढ़ना चालू किया था, आज अब उसका रिजल्ट देने का समय आ गया। उस समय आपने अगर अपने आप को कहीं पे भी लूज कर दिया, कहीं पे भी नेगेटिव थॉट रखे तो परेशानी हो सकती। और आप देखिए चाहे पेपर IIT का हो, चाहे NIMCET का हो, चाहे NDA का हो, चाहे BITSET, किसी भी एग्जाम के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बेसिक कितने तरीके से किया है। मैथ्स में आपको मैं एक ही बात बोलूँगा फिर से कि 50 में हम 40 प्लस करेंगे, 40 प्लस मतलब 40-45 की रेंज। 4-5 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि वहां पे आपको एग्जाम के समय चैलेंज नहीं लेना है, उस समय तो आपके थॉट ये होना चाहिए कि इन क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ना है। LR में 40 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपका टारगेट होगा 30 के आसपास करना। कंप्यूटर फंडामेंटल में स्कोर और कैसे बढ़े, इसलिए आपको स्पेशल शीट दी जाएंगी। तो कैसे बढ़े, यानी 5-8 क्वेश्चन एटलीस्ट कंप्यूटर में होना चाहिए। और अगर आपका इंग्लिश डोमेन है, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है और आप इंग्लिश के अभी क्वेश्चंस करते हैं, हो सकता है 5-6 यहाँ पर भी हो जाएं, 5-10 भी हो जाएं, तो बहुत अच्छी बात है। पर जिनका मीडियम इंग्लिश नहीं है वो ना भी फोकस करें तो चलेगा, क्योंकि आपके पास 1000 मार्क्स का स्कोप है। आप थोड़ी देर के लिए इंग्लिश को हटा भी दें तो 920 आपके पास मार्क्स है। 600 प्लस पे एक अच्छा कॉलेज मिलता है, 500 प्लस पे भी एक अच्छी रैंक आती है। तो आपका ये जो मंथ है बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। आप ये मान के चलिए कि इन 4 संडे में आपको जो टेस्ट देना है, आप टेस्ट भी याद रखिएगा, जब देना चालू करें तो ठीक 10-12 ही दीजिएगा, और 12 भी मत दीजिएगा, थोड़ा 5-10 मिनट पहले करेंगे तो और अच्छा होगा। बिल्कुल टाइमिंग पे स्टार्ट करिए, टाइमिंग पे ही एंड करिए, फिर पेपर का एनालिसिस करिए। और एनालिसिस फिर मैं बोलूंगा, मैंने आपके साथ एनालिसिस इसलिए शेयर किया था कि एनालिसिस मतलब केवल उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता, एनालिसिस मतलब होता है कि आपने जैसे सपोज 50 मैथ्स के क्वेश्चन किए हैं, तो आपके मान लीजिए कि 40 आपने अटेम्प्ट किए, अब 40 में मान लीजिए 35 राइट हैं, 5 रॉन्ग हैं। पहले ये डिसाइड करना है कि 35 राइट जो हैं 5 रॉन्ग क्यों हुए, रॉन्ग होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, फॉर्मूला मिस्टेक हो सकता है, थ्योरी मिस्टेक हो सकता है, कंसेप्चुअल मिस्टेक हो, ऐसी नंबर वन उन मिस्टेक्स को देखनी। इधर आएंगे 35 जो राइट हुआ उसमें देखना है कि कोई ऐसे क्वेश्चन तो नहीं जिसमें आप ज़्यादा टाइम दे गए। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दिया तो हो सकता है हम इसलिए अटेम्प्ट कम कर पाए, क्योंकि यहाँ का टाइम यहाँ पे सेव करना है। दूसरा, बहुत टाइम मैनेजमेंट करना है, 60 मिनट मैथ्स के लिए, 40 मिनट रीजनिंग के लिए, 10 मिनट कंप्यूटर के लिए, 10 मिनट इंग्लिश के लिए, ये टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ पर करना है। यानी इन 4 संडे को आप बिल्कुल वैसे पेपर दीजिए जैसे आप 26 को करने वाले हैं, तो 26 को वो होगा जो यहाँ कर रहे हैं।
यानी 26 के पेपर को आपको मॉक पेपर बनाना है, 26 के पेपर को आपको पुराना करना पेपर। आप हमेशा देखते हो जब आप पेपर दे के घर पे जाते हो तो आपको वही पेपर के क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं दिखे वो इजीली दिखने लगते हैं और आप घर पे ज़्यादा अच्छा कर पाते हो। क्यों? क्योंकि वो पेपर आप दोबारा देख रहे होते हो, यानी आपने उस पेपर को पुराना बना दिया। अब जो 26 को मिल रहा है उसको पुराना कैसे बनाएंगे? तो आपको कम से कम अभी तक 50 से, अभी तक मुझे लगता है करीब करीब आपको 80 से 100 के आसपास टेस्ट मिल गया। अगर वो टेस्ट पेपर्स को आपने एनालाइज कर लिया, डीप एनालाइज कर लिया, तो ये पेपर आपको 100% पुराना लगेगा, क्योंकि इन्हीं पेपर से मिलके पिछले कई सालों से ऐसे ही हो रहा है, इन्हीं पेपर से मिलके एक पेपर आपके पास आने वाला है। तो आपके पास एक्चुअल पेपर्स हैं, आपके पास मॉक पेपर्स हैं, आपने बुक्स सॉल्व की होगी। अब नया पढ़ने का समय बिल्कुल ख़त्म, अब जो पढ़ा है उसको एक अरेंज करना, उसको कलेक्ट करना। होता क्या है, हम जैसे जैसे एग्जाम के समय आते आते हम फैलाते जाते हैं। अब लास्ट मंथ में समेटने का टाइम आ गया। जो लोग समेट लेते हैं वो एक अच्छा रिजल्ट देते हैं, जो और फैला देते हैं और बिगड़ जाता है रिजल्ट। इसलिए अब कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। मैंने आपसे बोला ना, मैंने आपके साथ 2008 पेपर का लाइव क्लास लिया, पर्पस कि पेपर में क्वेश्चन को सिलेक्ट करना आना चाहिए, अपने फेवरेट टॉपिक। और इसका रिजल्ट मुझे दिखा, बच्चों ने जब मुझे बाद में भेजा कि सर हमने अगले पेपर दिए उसमें हमारे को बहुत फायदा मिला। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, ये भी एक टेक्निक हो सकती है। अब मैं एक एक टॉपिक ले रहा हूँ, एक एक टॉपिक क्यों ले रहा हूँ, एक एक मेजर टॉपिक, कि आप समझो आप अपने फेवरेट टॉपिक तो कहीं नहीं छोड़ना है। ट्रिग्नोमेट्री आपने देखा कितने इजी क्वेश्चन, कितने अच्छे क्वेश्चन आते हैं NIMCET में, 6 to 8 क्वेश्चन आते हैं वो ना छूट जाए। प्रोबेबिलिटी के 6 to प्रोबेबिलिटी PNC मिला के 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं वो ना छूट जाए हमारे एग्जाम में। कैलकुलस के 8 to 12 क्वेश्चन आते हैं वो ना छूट जाए। अब ये हमारा टारगेट है, यानी ये मंथ मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को बिल्कुल 100% अगर उसमें दे देंगे, भले ही आप दूर हैं पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूर हो के भी आप एक अच्छा रिजल्ट दे सकते। आज क्लासरूम में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जो ऑनलाइन कोर्स को लेने के बाद टेस्ट सीरीज में आया, मैंने देखा उन्होंने उस ऑनलाइन कोर्स से पढ़ के भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यानी सारी चीज़ें अगर आपने सिस्टमेटिक वे में पढ़ी होगी, देखिए सब कुछ डिसिप्लिन होता है, यहाँ पर आपका लगेगा सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई की तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये लास्ट मंथ में आपको क्या करना चाहिए? अब आप में से कुछ लोग कि सर अभी भी ऐसा लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बच गया है, प्रोबेबिलिटी में कुछ बच गया है, कोऑर्डिनेट में बच गया, मैं बोलूँगा बच गया कोई बात नहीं वो मैं यहाँ पे रिवाइज करवा दूंगा। अब समेटने का समय आ गया, अब कलेक्ट करने का समय आ गया, अब जो कुछ आपने पढ़ा था उसको एनालाइज करने का समय आ गया, उससे एक रिजल्ट देने का समय आ गया। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, राइट? यानी अब वापस लौटने का समय आ गया। वो एक चीज़ ध्यान रखिए, आप अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो उतना पीछे भी, अगर आपने ये नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप परेशान होंगे। तो ये इसलिए मैं आपके साथ ये सेशन शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपने अगर अपने जो जो पेपर्स दिए, हर पेपर्स के एक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन कलेक्ट करो, ये जो क्लास का जो मैं आपके साथ ये क्विक रिविजन क्लास ली मैंने आपके साथ या पेपर शेयर या जो कर रहा हूँ, इसका पर्पज़ ही यही है कि लास्ट टाइम में अपने आप को कैसे परफॉर्म करें, इसके लिए एक पॉजिटिव थॉट डेवलप करना आपके अंदर। और वो थॉट अगर आपने डेवलप कर लिया तो आप उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो आप बस कलेक्ट करिए, हर एक चीज़ों को अच्छे से करिए, एक एक टॉपिक को समझिए। एलजेब्रा अगर अच्छे से हो गया तो एलजेब्रा के क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से हो गया तो बन रहा है कि नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना क्या, पढ़ने के लिए कोई अंत नहीं होता। आप 10 गाइड सॉल्व कर लो तो भी आपको लगेगा अरे अभी ये और कर लेता, नहीं, बेस प्रिपरेशन पे वर्क करना है। टॉपिक्स के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो तो हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चन केवल वैल्यू लेके हम इजीली कर सकते हैं। एक सिंगल वैल्यू से मैंने आपको बताया था कि ए को 30 का आइडिया दे रहा हूँ, बी को 60 और सी को अगर 90 ले लें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल ए 1, बी √3, सी 2, इससे ही आप 80% क्वेश्चन कर लेंगे। यानी ये छोटी छोटी टेक्निक समझें। दूसरा, केवल ट्रिक्स पे ना जाएं, ये आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कई लोग ट्रिक्स करते हैं। याद रखना कंसेप्ट से अच्छी चीज़ कुछ नहीं होती, कम से कम स्टेप लिखो, लॉजिकल तरीके से करो। आपके सब कुछ, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, आपके लॉजिक भी क्लियर होने चाहिए, आपको ट्रिक्स से भी आना चाहिए, आपको ऑप्शन से भी आना चाहिए। मैंने हर तरीके बताए, ऑप्शन पे जाएं तो 3 रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना है, ट्रिक पे जाएं तो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ट्रिक्स, हमेशा क्वेश्चन टू क्वेश्चन होती है, तो अगर ट्रिक पे कमांड है तो ठीक, नहीं तो कंसेप्ट पे जाएं। यानी हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से कलेक्ट करें। रीजनिंग के जो पेपर्स आपके पास हैं, एक्चुअल पेपर्स जो हैं अब तक जो 10-12 साल के, अगर आपने उनको ही अच्छे से सॉल्व कर लिया रीजनिंग में तो आप अच्छा परफॉर्म कर देंगे। मिसिंग टर्म कैसे निकालते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वांट पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर क्वांट के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आए थे, कोई टफ नहीं आए थे, फिर भी
थोड़ा बहुत टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इनके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप अगर पुराने पेपर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, पैसेज वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा आप देखोगे, उसके लिए कुछ नहीं करना, उन्हीं क्वेश्चंस को जब बार बार पढ़ोगे डायरेक्शन सेंस के आपको बनने लगेंगे। तो ये जो मंथ है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल मंथ है। इस एक मंथ में, आज है डेट 25th और मैंने आपको 25th से 25th के लिए बोला, और अगला महीने का 25th आपका टोटल ऑफ होगा। ये दिन 100% रेस्ट का होगा, इस दिन कुछ भी नहीं पढ़ना। यहाँ के 4-5 दिन भी जो पढ़ना है ना, इन पेपर्स को लेके बिना खाली पेज पे बस लिखते चलना, बुक तो यहाँ पे बंद हो जाएगी आपकी, ये आखिरी दिन होगा। इसके बाद आपको अगले 5 दिन 20, 21, 22, 23, 24 को अगर कुछ करना है तो केवल पेपर्स को देखते ही सॉल्व करना है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसका आंसर ही होगा, इसका आंसर ही होगा, इसका आंसर ही होगा। कैलकुलस का क्वेश्चन है, ये एक एक क्वेश्चन को देखना है पूरे पेपर को। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2008 से लेकर 2018 तक के पेपर को एक साथ रखवाया हुआ है। खोलो, 2008 का खोलो, 9 का खोलो, 10 का खोलो, 11 का खोलो, 12 का खोलो, एक साथ, तो पुराने पेपर से आपको एक प्रॉपर आइडिया लगेगा। तो अभी भी आपके पास अच्छा मौका है परफॉर्म करने का। अभी भी आप में से कुछ लोगों ने बहुत लेट स्टार्ट किया प्रिपरेशन पर, मैं बोलूँगा कि लेट किया कोई बात नहीं, अभी बिल्कुल दिमाग से थॉट निकाल दो कि ड्रॉप लेना है नहीं लेना है, सब बात की बात। अभी आप अपना 100% दो। अभी मैं ये सेशन कंटिन्यू रखता रहूँगा, हर वीक मैं आपके साथ कोई ना कोई सेशन लूँगा, प्लस ये सेशंस की आप लोग प्रिपरेशन करना चालू कर दें। और इस सेशन में अब और अगले सेशंस में मैं कोशिश करूंगा कि और पॉजिटिवली आपके साथ क्या क्या चीज़ें की जाएँ जिससे आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट हो। जैसे मैं अपने एफर्ट्स लगा रहा हूं, वैसे आप भी अपने एफर्ट्स लगाओ। दो तरफ से जब एफर्ट्स लगेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा होगा। तो अपने आप को पढ़ाई करिए, सारे पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करिए, रीजनिंग के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिए, एक एक पैटर्न्स को कवर करते हुए चलिए, अच्छा ही रिजल्ट आएगा। रिजल्ट की चिंता छोड़ दो, ये सोचना छोड़ दो कि क्या रैंक आएगी, ये सोचना छोड़ दो कि पेपर में कितना अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो मैं हमेशा बोलूँगा एक ही चीज़ पे वर्क करो, वो है बेस्ट, बेस्ट अर्न बेस्ट। बस अगर इस पे वर्क करेंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। उसी बात पे फोकस करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।